Hello students, this is a new chapter today, Reproductive Health, and in this chapter we are going to study about the reproductive health. Means ki ek reproductive health ko kis tarah se properly sahi rakhna chahiye aur wo kya kya issues hain jiske wajah se reproductive health damage hoti hai, wo hum aaj ke chapter mein focus karenge. Ye NCERT reproduction unit yani ki unit 1 ka 4th चैप्टर है जिसमें काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी और आपके नीट से भी इसके क्वेश्चंस काफ़ी टच करते हैं. तो इसलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें ह्यूमन हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो ह्यूमन बींग्स की होती है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे टर्म्स बताए गए हैं. तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन जो दी गई है वो ये है कि कंप्लीट वेलबींग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल. मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज रिलेटेड विथ द कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल, और वी कैन ऑल्सो से दैट बिहेवियरल. क्यों गड़बड़ा रहा है? So the definition about reproductive health is the complete physical, social, mental, emotional, or along with emotional we can say it behavioral. Means कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पर्सन जो है वो फिजिकली, सोशली, मेंटली होने फिट होने के साथ साथ ये इमोशनली भी और बिहेवियरल भी इनको प्रॉपरली रहना चाहिए, तभी जाके इनका जो हेल्थ है वो बैलेंस रहता है और इनका हेल्थ सिस्टम जो होता है वो मैनेज हो पाता है. तो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के सबसे पहले 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया. It was family planning program. Reproductive health से related 1951 was the year जिसमें family planning program की शुरुआत की गई और ये program धीरे धीरे develop हुआ और धीरे धीरे इसमें काफी सारे terms जुड़े और काफी सारे नए programs जुड़े, जैसे reproductive and चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, तो 1951 से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बैलेंस देखने के लिए या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही रखने के लिए काफी सारे प्रोग्रामिंग स्टार्ट की गई, जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो होता है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जो बेबी का बर्थ हुआ है उस बेबी के हेल्थ से रिलेटेड काफी सारे प्रोग्राम्स शुरू किए गए. तो व्हाट वेयर द रीजंस, क्या थी वो रीजंस या क्या वो प्रॉब्लम्स थे जिसके वजह से हमें ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ा. सो वी विल गो विद द प्रॉब्लम्स, व्हाट वेयर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी सॉल्वड इट. तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो रही थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डैमेज होने के चांसेस हो रहे थे. तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं हमारी, नेक्स्ट वी आर फोकसिंग ऑन. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्ट हो रही थी. तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो देखी गई है इट वॉज लैक ऑफ अवेयरनेस. मीन्स पीपल वे आर नॉट अवेयर अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वो नहीं समझ पाते थे कि किस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही रखना चाहिए. नेक्स्ट वी विल हैव, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ STDs.
लोगों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ डैमेज हो रहा था. और तीसरा, देयर वेयर सेवरल मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होते थे जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ डैमेज हो जाती थी, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे मिसकंसेप्शन पे बिलीव करना जिससे प्रेगनेंसी लॉस होती और जिसका इफेक्ट मदर और फीटस दोनों पर होता था. तो ये रीजंस हैं. उसके अलावा और भी रीजंस हम देख सकते हैं, जैसे इल्लीगल अबॉर्शन एंड फीटिसाइड्स. दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इलीगल अबॉर्शंस करवा दिए जाते थे. फीटिसाइड्स में फीमेल फीटिसाइड का रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड देखी गई. और इन सब प्रॉब्लम्स की सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है, जो वजह है, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस. लोगों में इसके बारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं रहती थी, वो उसका ध्यान नहीं रख पाते थे, जिस वजह से ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के वजह से जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उनके डैमेज का चांसेस दिखा. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद हमें ज़रूरत पड़ी कि हम क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करें जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके. तो we are having some strategies related with the problem solved during a reproductive health or related with the reproductive health. So what were the strategies? There were several strategies, or we can say plannings. bahut sari aisi plannings thi jiske wajah se हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना शुरू किया और हमारी जो स्ट्रैटेजीज है वो काफ़ी जगह पे सक्सेस भी हुई. तो क्या क्या थी वो स्ट्रैटेजीज? जैसे स्ट्रैटेजीज नंबर ए, वी कैन लीड विद द क्रिएटिंग अवेयरनेस. सबसे पहली स्ट्रैटेजी का तरीका यूज़ किया गया अवेयरनेस को क्रिएट करके, लोगों में काफ़ी सारी बातों को बताना, अवेयरनेस क्रिएट किया गया. सबसे पहली अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की गई रिलेटेड विथ एसटीडीज. सबसे पहले एसटीडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताया गया और लोगों में सेक्स रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हैं, जो भी डिजीज़ हैं और उनकी जो वजह है वो लोगों में पब्लिकली बताई गई, उन्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया गया. सेकेंड इज रिलेटेड विथ मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, फीमेल में होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड काफ़ी सारी बातों को बिल्कुल प्रैक्टिकली और समझाया गया, जिससे कि उस समय बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत सारे डैमेज होने के चांसेस होते थे, जिसके वजह से मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी बताया गया. नेक्स्ट इज रिलेटेड विथ कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड कई जानकारियाँ दी गई और फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. और अवेयरनेस में अवेयरनेस का तरीका है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल रहा, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन से काफ़ी सारी बीमारी को रोका जा सकता है और साथ साथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भी रोका जा सकता है और इसके ज़रिया अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं. तो इस मेथड के अवेयरनेस के बाद लोगों में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट होते हुए देखा गया. इसके बाद प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बातें समझाई गई, जिसके लिए आर्ट टेक्निक के बारे में बताया गया. व्हाट इज़ आर्ट टेक्निक, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारी आर्ट टेक्निक किस तरह की होती है. ये स्पेशली उन कपल्स के लिए या उन पेरेंट्स के लिए होती है जिनमें फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, फिर भी उनमें चाइल्ड को ब्लेस कर पाना ये आर्ट टेक्निक के द्वारा पॉसिबल हो पाता है. तो ये आर्ट टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. तो हमने सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की, वी हैव क्रिएटेड अवेयरनेस बाय द हेल्प ऑफ एसटीडीज के बारे में बताकर, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताकर, कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका बताकर और आर्ट टेक्निक के बारे में बताकर, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड थी वो सॉर्ट आउट हो गई. नेक्स्ट प्रोसेस जिसके ज़रिया हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया वो थी
नंबर बी प्रोवाइडिंग एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हमने लोगों में एजुकेशन प्रोवाइड की एंड दिस एजुकेशन वाज बाय द हेल्प ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. काफी सारे नॉन गवर्नमेंटल एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट के बाद हमने लोगों में सेक्स एजुकेशन को इन्वॉल्व किया. सेक्स एजुकेशंस वेयर बिल्ड अप, सेक्स एजुकेशंस दी गई और सेक्स एजुकेशंस विलेज एरियाज में सबसे ज्यादा इम्प्रूव तरीके से दी गई क्योंकि विलेज एरियाज में इसको बहुत इम्पॉर्टेंट था बताना क्योंकि विलेज एरियाज में अक्सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के काफी सारे केसेस देखे जाते हैं. उसके बाद स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया गया और बच्चों में सेक्स एजुकेशन, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, प्रॉपर आर्ट टेक्निक, प्रॉपर एसटीडीज के बारे में बताया गया कि किस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रॉपरली सही रखा जा सकता है. तो ये कुछ तरीका है जिसके जरिया हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड थी उन्हें सॉर्ट आउट किया. इन सॉल्यूशंस में, इन स्ट्रेटजीज में विलेज एरियाज में सबसे ज़्यादा ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए. ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स काफ़ी हेल्पफुल रहे जैसे कि सेमिनार्स, शॉर्ट ड्रामा एट्सेट्रा. और ये सारे ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स के द्वारा विलेज एरियाज में लोगों को एक मूवीज के द्वारा या फिर सेमिनार्स के द्वारा जागरूक किया गया. उन्हें बताया गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरह से प्रॉपरली सही रहता है और उन्हें कई सारी बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी गई. तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया और इस सारे प्रॉब्लम से हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से में भी कंट्रोल मिला और हमारा जो बर्थ रेट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे गए और फीमेल फेटिसाइड्स भी रुकी. फीमेल फेटिसाइड्स के वजह से जो सेक्स रेशियो था वो सेक्स रेशियो इम्प्रॉपर हो रहा था जिसके वजह से उसे भी बैलेंस किया गया और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हमारी ये स्ट्रेटजीज. तो इस तरह से हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में होने वाले प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज को देखा. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे और उसके बाद हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम देखेंगे किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के हेल्प से हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया और साथ ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी प्रॉपरली मैनेज किया.